नमस्कार बच्चों बच्चों, कक्षा 10वीं की कविता उत्साह आज हम पढ़ेंगे। इसका भावार्थ जानेंगे। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस कविता में बादल को संबोधित किया गया है और बादल को संबोधित कर एक उत्साह लोगों में भरने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार कवि अपनी कविता से लोगों में नवजीवन का संचार करता है, उसी प्रकार बादल से कहा गया है कि बादल गरजे और अपनी गर्जना से लोगों में नया उत्साह जीवन के प्रति भर दे। आइए देखते हैं उत्साह कविता का भावार्थ। बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करता हुआ कहता है कि बादल तुम जोर जोर से गरजो, घेर घेर घोर गगन। इस घोर मतलब कि विशाल गगन को घेर लो, मतलब आकाश में चारों तरफ छा जाओ, धाराधर हो। धारा मतलब कि जल, जल को धरने वाले धाराधर ओ। अरे ओ बादल, तुम इस लंबे चौड़े आकाश में विशाल गगन में चारों तरफ फैल जाओ, छा जाओ, इस गगन को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित माने सुंदर, सुंदर सुंदर काले काले और घुंघराले। बादल को जब हम देखते हैं, कई बार आकाश में बादल अनेक रंगों के होते हैं, तो बादल को देखकर कवि कहता है कि बादल बहुत ही सुंदर हैं, काले काले हैं और घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। और ऐसा लगता है जैसे ये किसी बच्चे की कल्पना से पोषित हैं, मतलब जिस प्रकार किसी बच्चे ने कोई कल्पना कर ली हो, बादल इसी प्रकार सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले लग रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे। बादल अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हैं। बीच बीच में बिजली कड़कती रहती है तो वो बादल के बीच में से निकल कर आती है। ऐसा लगता है कि बादल ने उस बिजली को अपने दिल में छुपाया हुआ है। कवि नवजीवन वाले। जिस प्रकार कवि अपनी सुंदर कल्पना शक्ति से लोगों में नवजीवन का संचार कर देते हैं, उसी प्रकार कहता है वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। बादल अपने अंदर वज्र किसी कठोरता छिपाए हुए हैं, तो यहाँ पर कवि बादलों का आह्वान करता हुआ कहता है कि वे जीवन में, हम लोगों के जीवन में वज्र किसी कठोरता भर दें, अर्थात क्रांति पैदा कर दें, नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता का सृजन कर दो, लोगों में उत्साह भर दो। बादल गरजो। हे बादलों, तुम जोर जोर से गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल होता है बेचैन, और उन्मन जिसका मन कहीं पे ना लगता हो, उदास। विकल विकल उन्मन थे उन्मन कि विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व के, दुनिया के निदाघ मतलब कि गर्मी से परेशान थी, सारे धरती के सारे लोग गर्मी से परेशान थे, वो सभी बेचैन थे, वो सभी उदास थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और फिर कवि कहता है कि अनंत मतलब कि जो दूर तक फैला हुआ है आसमान, आसमान के घन बादल जाने किस अज्ञात अनजानी दिशा से आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और इस तपती हुई धरती को, गर्मी से तपती हुई इस धरती को, गर्मी से परेशान लोगों को जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करता हुआ कहता है कि हे बादलों, तुम गरजो और इस धरती को और धरती पर रहने वाले लोगों को इस गर्मी से छुटकारा दिलाओ, मुक्ति दिलाओ, और हम सब के जीवन में शीतलता भर दो। बादल गरजो। धन्यवाद।